Welcome students to my YouTube channel. I am Muhammad Arafat Khan. Continue करते हैं अपनी series को अपने lectures को जो कि मैंने अभी oscillations से start किया है, simple harmonic motion से start किया है. तो मैंने इससे पहले जो video upload करी थी वो हमारे पास इस chapter की oscillations की simple harmonic motion का first lecture था जिसमें हम लोगों ने जो है बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन या कनेक्शन को डिस्कस किया था और उसमें हमने फॉर्मूले की डेरिवेशंस की थी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल्स. टोटल तीन एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे जिसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी. अब हम चलते हैं आज की सिंपल हार्मोनिक मोशन की सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ. और वो जो सेकंड एग्जांपल होगी हमारे पास, दैट विल बी मोशन अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द वीडियो, है ना. इसमें क्या होगा, हमारे पास कोई भी एक बॉडी होगी और उस बॉडी को हम किसी भी स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे और उस स्प्रिंग को जब हम डिस्प्लेस करेंगे, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके बॉडी पर उसको हम डिस्प्लेस करेंगे तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, वो टू एंड फ्रो करना स्टार्ट करता है. तो हम ये कहते हैं कि सच अ मोशन इज वाइब्रेटरी. और क्योंकि इसकी कंडीशंस बेसिकली फॉलो करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एग्जाम्पल बन जाती है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आज के लेक्चर का नाम, हम इलास्टिक फोर्स को हम स्प्रिंग फोर्स के अंडर बॉडी की मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये प्रूव करेंगे कि वो जो मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होती है ये एग्जाम्पल होती है, ये एग्जीक्यूट करती है कौन सी मोशन को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है. ठीक है. और इसी टॉपिक का एक और नाम है जिसको हम जानते हैं हुक्स लॉ के नाम से. तो जनाब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ये रही आज के टॉपिक की हेडिंग जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही डिस्कस कर रहे हैं और उसकी जो सेकेंड एग्जाम्पल है मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि हुक्स लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक कोई भी मास स्प्रिंग सिस्टम होगा, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम होगा. उसमें क्या होता है कि हमारे पास हम किसी भी स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं. अब इनिशियली देखो ये ऑब्जेक्ट फिलहाल मूव नहीं कर रहा, फिलहाल आपने इसको अटैच किया स्प्रिंग के साथ और ये रुका हुआ है. जिस पॉइंट पर ये रुका हुआ होगा उस पॉइंट को हम कह देते हैं वो उसकी मेन पोजिशन होती है ना. तो इसका मतलब ये जो पोजिशन है इसकी, ये वाली, दिस पोजिशन इज वॉट, दिस इज इट्स मीन पोजिशन. और आपको पता है मीन पोजिशन का डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है. रिकॉल करें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कितने अच्छे से कितनी डिटेल में बताया था, मीन पोजिशन होती है, देन एक्सट्रीम पोजिशन होती हैं. तो जब वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी मीन पोजिशन पर होती है तो वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है क्योंकि आप वाइब्रेटिंग बॉडीज का डिस्प्लेसमेंट मेजर ही मीन पोजिशन से करते हैं कि वो मीन पोजिशन से कितना दूर है, समझ रहे हैं. तो अगर वो मीन पोजीशन पर ही होगा तो दूर तो है ही नहीं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो मीन पोजीशन इज सच अ पोजीशन इन एट विच द पोजीशन सॉरी एट विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज ऑलवेज जीरो. अब हम एक काम ही करते हैं कि हमें जाहिर सी बात है मोशन को डिस्कस करना है तो मैं क्या करूंगा कि इस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको पुल करते हैं. जब मैं इसको पुल करूंगा तो लेट सपोज इसकी पोजिशन चेंज हो जाएगी. मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाता हूं, ठीक है. और ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, ठीक है, स्ट्रेच होगा. और स्ट्रेच होने के बाद दैट सपोज वो बॉडी मूव करके यहां पर आ गई, ये वही बॉडी है जो कि मूव करके यहां पर आ गई, ठीक है. कब, जब मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी, जब मैंने इसको पुल किया तो ये ऑब्जेक्ट मूव करके अपनी मीन पोजिशन से डिस्प्लेस हो गया. तो डिस्प्लेस होने का मतलब मीन पोजिशन से लेकर यहां तक इसने कवर किया डिस्प्लेसमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स. ये इसने क्या कवर किया भाई, ये इसने कवर किया एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, अब इस पोजीशन की बात करते हैं जिस पोजीशन पर फिलहाल यहां पर ये मौजूद है. जब मैं इस पोजीशन पर इसको होल्ड करके रखूंगा तो ये यहां पर रुका रहेगा, ठीक है. और जैसे ही मैं इसको यहां से छोड़ूंगा तो अब ये यहां पर नहीं रुकेगा क्योंकि इट इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग और स्प्रिंग के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी. इलास्टिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जब आप एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं तो बॉडीज अपनी वापस इनिशियल पोजीशन की तरफ रीस्टोर हो जाती हैं. तो यहां पर आपने इसको एक इलास्टिक बॉडी के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो यहां पर इस इलास्टिक बॉडी का यानी कि स्प्रिंग का काम यह है कि इस बॉडी को वापस अपनी पोजिशन तक रीस्टोर करवाना. चेक करो हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स तो लाजमी है, मैंने बताया था आपको
इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स का होना लाजमी है। तो यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कौन सी वाली होगी, इलास्टिक फोर्स होगी, या इसको आप यू कह लें स्प्रिंग फोर्स होगी। समझ रहे हैं? अब भाई मैं कहूंगा कि इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि इस बॉडी को पीछे की तरफ पुल कर रही है, इस फोर्स को हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स, एफ एस। इस एफ एस का मतलब क्या होगा, जो फोर्स स्प्रिंग इस पर अप्लाई कर रहा है वापस रिस्टोर करने के लिए, दैट इज एफ एस, स्प्रिंग फोर्स कह लो या फिर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कह लो। चलो अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। भाई मैंने इसको यहां से छोड़ा, जैसे मैं इसको लीव करूंगा तो इलास्टिक फोर्स स्प्रिंग फोर्स इसको वापस रिस्टोर करवाएगी, फौरन से खींचेगी और ये बॉडी मूव करते हुए जाएगी और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे ही बॉडी अपनी मेन पोजीशन पर पहुंचेगी तो क्या रुक जाएगी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब ये मूव करते हुए इसकी स्पीड बढ़ रही थी, तो बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा स्पीड क्या हो जाती है मेन पोजीशन पर। याद करें वही वाली बातें रिपीट हो रही है, मैंने आपको जो कल लेक्चर अपलोड करके बताया उस लेक्चर के अंदर जो बातें हमने करी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम से रिलेटेड, मीन पोजीशन से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट कहाँ मैक्सिमम होता है, कहाँ मिनिमम होता है, वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है और कहाँ मिनिमम होती है, ये सारी बातें मैं आपको बताई थी। अच्छा अब हुआ क्या कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगी मीन पर। अब जब मीन पर सबसे ज़्यादा स्पीड इसके पास होगी तो ये यहाँ पर क्यों रुकेगा, इसके पास तो मोमेंटम आ गया, अब ये उस मोमेंटम के साथ और मजीद आगे चला जाएगा और मजीद आगे जाएगा, तो इस बार ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, कंप्रेशन हो जाएगी स्प्रिंग के अंदर। चलो वो थर्ड पोजीशन भी बना देते हैं भाई, आगे हम वापस उसके बाद थर्ड डायग्राम। ठीक है, अब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है, कंप्रेस होने के बाद ये बॉडी कुछ यहां पर मौजूद है। ठीक है, ये हवा में बन गई बॉडी, इसको हम सरफेस पर रख देते हैं, ये आ गई सरफेस के ऊपर वही बॉडी। हाँ भाई नजर आ रहे क्या कि ये जो बिल्कुल मिडिल वाली पोजीशन है ये बॉडी की मेन पोजीशन है, आपने इसको यहां से पुल किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी, उसके बाद सारा खेल स्टार्ट हो गया, उसके बाद सारा सीन स्टार्ट हो गया। कौन सा सीन स्टार्ट हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। कौन सा खेल स्टार्ट हो गया, वाइब्रेटरी मोशन का, मतलब अब ये यहां से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक दूसरी एक्सट्रीम तक जाएगी, फिर वापस जब यहां पर होगी तो स्प्रिंग दोबारा इसको पुश करेगा कि वापस अपनी जगह पे जाओ, और जब ये दोबारा यहां से स्टार्ट होगी तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर सबसे ज्यादा यहां पर हो जाएगी, और फिर जब सबसे ज्यादा मीन पर हो जाएगी दोबारा यहां पर रुकेगी नहीं, अपने इस मोमेंटम को कैरी करते हुए ये और ज्यादा आगे जाएगी। तो अब पता है क्या हो रहा है कि जब ये बॉडी इस तरफ है, राइट की तरफ है, तो स्प्रिंग इसको पुल कर रहा है, पीछे खींच रहा है, वापस ला रहा है, और जब ये लेफ्ट की तरफ है तो स्प्रिंग इसको पुश कर रहा है, धकेल रहा है, आगे की तरफ धकेल रहा है। तो इस पुल और पुश के चक्कर में बेचारी ये जो बॉडी है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे करती रहेगी, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। तो ये कौन सी मोशन हो गई भाई, वाइब्रेटरी मोशन हो गई, समझ आई बात। और ये जो वाइब्रेटरी मोशन है ये कौन सी फोर्स की वजह से है, ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से है, और यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स लगाने वाला कौन है, वो है स्प्रिंग। तो इसी वजह से हमने कहा मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी वाली है, इलास्टिक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। यहां तक बात क्लियर हो गई, तो भाई यह हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट के बाद उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और उसके बाद ये मूव करना स्टार्ट कर गया। चलें अब चलते हैं इसकी कंडीशन की तरफ, इसकी डेरिवेशन वगैरह की तरफ। सबसे पहली बात देखो, एक बात ध्यान में रखना, आप बॉडी को मेन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेस करवाएंगे ना, मतलब उसको जितना ज्यादा खींचोगे, लेकिन अंडर इलास्टिक लिमिट, ये नहीं इतना ज्यादा खींच दिया, इतना ज्यादा खींच दिया बेचारा स्प्रिंग टूट गया, डैमेज हो गया, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को आपने खत्म कर दिया, नो, अंडर इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट होती है उसके अंदर अंदर तक आप जितना ज्यादा बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे स्प्रिंग उस बॉडी पर उतनी ज्यादा पुल फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा। समझ आ रही है? इसका मतलब क्या, ये जो FS है, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये जो इलास्टिक फोर्स है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है, जो भी कहना चाहो कह लो, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये पता है सीधा सीधा इस फैक्टर पर डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा आप खींचोगे उतनी ज्यादा ये वापस पुल करेगी। तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा पुल, पुल कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा इलास्टिक फोर्स, कम डिस्प्लेसमेंट, कम इलास्टिक फोर्स, सिंपल सी बात है। तो आज की डेरिवेशन को हम स्टार्ट करेंगे इसी सिंपल से एक कॉन्सेप्ट से। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे हम लोग, के
इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ भाई इलास्टिक फोर्स या स्प्रिंग फोर्स किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट पर. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से लिया जाता है? फ्रॉम द मीन पोजिशन. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन. तो भाई इस बात को हम किस तरीके से लिखेंगे? इस बात को हम लिखेंगे कि एफ एस यानी कि स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. रिकॉल करें इससे पहले वाला लेक्चर, मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है ये क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है, शर्त है ये, है ना. तो जिस तरीके से एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजिशन होती है, बॉडी बाउंड है कि उसको वापस हमेशा मीन की तरफ जाना है. बॉडी भले इस तरफ जाए या मूव करके इस तरफ जाए, उसकी एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजिशन होती है. तो आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया था. तो भाई एक्सेलरेशन तो होती ही फोर्स की वजह से, सिंपल सी बात है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वाइब्रेटिंग बॉडी के पास एक्सेलरेशन होती है वो कौन सी फोर्स की वजह से होती है? वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है. तो आप यहाँ पर ये बता दें कि जो इलास्टिक फोर्स होगी, जो स्प्रिंग फोर्स होगी, जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के तो होगी, लेकिन कैसे? नेगेटिव. नेगेटिव क्यों? क्यों? वही वाली बात कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा बॉडी को कहां रिस्टोर करवाएगी? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. टुवर्ड्स द मीन पोजीशन बॉडी यहां मूव करे तब भी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन बॉडी यहां मूव करे तब भी जो स्प्रिंग फोर्स है या रीस्टोरिंग फोर्स है तब भी वो कहां पर होगी? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजिशन. इसी वजह से हम यहाँ पर दोनों कंडीशन में नेगेटिव साइन पुट करते हैं. ये बात क्लियर है, ठीक है. अच्छा भाई हम अब क्या करते हैं, इस साइन को रिमूव करते हैं. तो यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपको पुट करना पड़ेगा, और वो कॉन्स्टेंट हम पुट कर देते हैं के, और ये बन गया फॉर्मूला हमारे पास स्प्रिंग फोर्स को यानी कि इलास्टिक फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. एफ एस स्प्रिंग फोर्स है उतनी ही ज्यादा जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर जो आपने कांस्टेंट पुट किया के की फॉर्म में, इस के के नाम यहां पर हम स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं. के इज अ कांस्टेंट कॉल्ड, हाँ भाई इसका नाम क्या होता है? या तो इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग पर डिपेंड करता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसका एक नाम और होता है जिसको हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स कॉन्स्टेंट. क्लियर. अब एक काम करते हैं कि हम इस वाले फॉर्मूले को, जिस बेसिकली हमने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को हम कह देते हैं ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर वन. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. इस इक्वेशन नंबर वन के अंदर जो k आ रहा है, अगर हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? k इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स. ऐसा है, x मल्टीप्लाई कर रहा है, f के साथ आगे डिवाइड करेगा. ये बन गया स्प्रिंग फोर्स को कैलकुलेट करने का, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. क्यों बनाया? ताकि आप उसका यूनिट पता चल सके. सो एस आई यूनिट ऑफ किसका? के इज, हाँ भाई के का एस आई यूनिट क्या होना चाहिए? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर. रीड करो क्या बन रहा है, ये बन गया न्यूटन पर मीटर. और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर इनवर्स. तो रीड अभी भी कैसे करेंगे? न्यूटन पर मीटर. तो भाई जब भी हम फोर्स कांस्टेंट को मेजर करेंगे या स्प्रिंग कांस्टेंट को मेजर करेंगे तो वो हमेशा किन यूनिट्स में मेजर करेंगे? न्यूटन पर मीटर के अंदर. यहां तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. अच्छा देखें, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई भी एग्जाम्पल पढ़ लें, जैसे पहले वाली, इससे पहले वाले लेक्चर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हमने शेडो को डिस्कस किया था, क्यू शेडो को डिस्कस किया था, याद है? तो हमने शेडो की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिस्कस किया था ना. अच्छा अब यहां पर आ जाए, मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है तो ये भी तो वाइब्रेट कर रही है, इसके पास भी तो एक्सेलरेशन है, तो इसका भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होना चाहिए, अलग होना चाहिए, कंडीशन डिफरेंट है. वहां पर शेडो था, वहां पर सर्कुलर मोशन थी, तो उसका फॉर्मूला अलग था. यहां पर स्प्रिंग है, इलास्टिक कंडीशन है, बॉडी है जिसका मास एम होगा, तो यहां पर इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कुछ और होना चाहिए. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं. तो भाई यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो क्या? कि बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए,
ये देखो ना सिंपल फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाती है ना टुवर्ड्स जमीन पोजीशन, तो बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, ये आपको किस बात की याद दिलाता है? दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, समझे बात? तो यहाँ पर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाँ भाई हमने वो क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू m टाइम्स एक्सेलरेशन, इसको हम कहते थे इक्वेशन नंबर टू. अब आप नोट करें इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं. तो अब आप क्या करें, F की इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दें. तो देखो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन टू, चलो भाई कंपेयर करते हैं, इसकी इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं. क्या बनेगा, एम ए इक्वल्स राइट साइड पे कौन है, माइनस का के एक्स, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाना है तो ये m मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर आके डिवाइड करेगा, क्या बनेगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, a इज इक्वल टू माइनस का के एक्स ओवर m. जनाब ये बन गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, कल वाला याद दिलाऊं मैं आपको, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर वाला याद दिलाऊं, वो फॉर्मूला था माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर. ये कब का था, जब आपने शेडो को डिस्कस किया था, ये मैंने यहां पर याद है लिखा था ए क्यू, क्यू क्या था शेडो था. अब शेडो की एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के अंदर देखो एक्स आ रहा है, यहां पर भी एक्स है, डिस्प्लेसमेंट तो लाजमी है, यहां पर ओमेगा आ रहा है, ओमेगा स्टैंड्स फॉर, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो क्योंकि वहां पर शेडो एंगुलर वेलोसिटी की वजह से था तो वहां पर उसके फॉर्मूले के अंदर ओमेगा का कॉन्सेप्ट बनता है. यहां पर किस बात का ओमेगा, तो यहां पर क्या मैं ये वाले फॉर्मूले को यूज करता नहीं करता, इसी वजह से इस वाली कंडीशन का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये वाला है. कैसे पता चल रहा है, देखो के स्प्रिंग का कांस्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एम इस बॉडी का मास है, क्या शैडो का मास होता है, नहीं होता ना, तो ये वाला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फॉर द शैडो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये वाला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आज के टॉपिक का जिसको हम कहते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम. ये देखो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम. मैं दो मिनट फ्रेम देख लेता हूँ बोर्ड का, क्लियर है, हाँ बोर्ड का फ्रेम क्लियर है, ठीक है. चलो ये तो हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसके लिए, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए. अब एक काम ही करते हैं, फॉर्मूला तो बन चुका है एक्सेलरेशन का, हमें ये पता है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है, आपके पास क्या प्रूफ है मुझे बताएं, क्या सिर्फ बोल दो क्या भी, क्योंकि वाइब्रेट कर रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, चलो ठीक है बोल दिया, रिटन प्रूफ दो, रिटन प्रूफ क्या है आपके पास, कोई थ्योरेटिकल प्रूफ है क्या, आप लिख कर प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे नहीं लिख देना हैंस प्रूव इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, नहीं ये नहीं लिखना, आपने फॉर्मूला इक्वेशंस को कुछ ना कुछ ऐसे करना है कि प्रूव हो जाए, इसी के इक्वेशन से कहीं ना कहीं प्रूव हो जाए कि हाँ भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन है. और क्या बताया था मैंने आपको कि अगर आपने किसी भी बॉडी की मोशन को प्रूव करना हो कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, आप ये प्रूव कर देना बस. अगर किसी भी बॉडी की मोशन को चेक करना हो कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, तो इसको प्रूव करना, अगर ये प्रूव हो जाए तो वो SHM है, अगर ये प्रूव ना हो इसका मतलब वो SHM नहीं है. तो लेट्स चेक करते हैं क्या ये SHM होना चाहिए या नहीं. चलो देखो मेरी बात सुनो, एक्सेलरेशन के इस फॉर्मूले के अंदर K, X और M, इन तीन में से K कॉन्स्टेंट है, K कॉन्स्टेंट है, लिखा हुआ ना K इज अ कॉन्स्टेंट, मास भी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जब बॉडी वाइब्रेट करेगी तो एक ही मास होगा ना, वो मास थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, सेम रहेगा. के कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट, क्या एक्स भी कॉन्स्टेंट होगा ड्यूरिंग मोशन, नहीं, मीन पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एक्स बढ़ता जा रहा है, ये देखो मीन पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एक्स बढ़ता जा रहा है, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, इसका मतलब इन तीन में से दो कॉन्स्टेंट है, उन कॉन्स्टेंट को अलग करके लिखते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस का के अपॉन एम, और ये आ गया एक्स. तो आपने क्या किया, कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दिया और इस वेरिएबल को अलग कर दिया. अब इस चीज को ऐसे लिख लो, माइनस ये पूरा फैक्टर कॉन्स्टेंट है तो आप इस पूरे फैक्टर की जगह वर्ड्स में लिख दो, इट इज अ कॉन्स्टेंट फैक्टर, बाकी एक्स अपनी जगह पे. हाँ भाई क्या करने जा रहे हैं हम लोग, सोचो जब भी हम इक्वल, ये देखो जब भी हम इस साइन को रिमूव करते हैं तो इक्वल के साथ कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आता है, उल्टा कर दो
कॉन्स्टेंट और इक्वल को रिमूव कर दो तो दोबारा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या बनेगा, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल, ये दोनों हट जाएंगे, इक्वल और कॉन्स्टेंट, क्या बच गया माइनस एंड एक्स, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब ये जो मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है, सॉरी मोशन है, ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है और आपने इसको कहीं और से प्रूव नहीं किया, इसके अपने फॉर्मूले से प्रूव कर दिया, समझ आई। तो ये इक्वेशन, ये रिलेशन आपको बता रहा है कि द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, हेंस द मोशन इज एस एच एम, ये प्रूव आपने बात प्रूव कर दी। इसको नोट कर लें जल्दी से ताकि मैं इसको रब कर दूं, और रब करने के बाद हम इसकी आगे वाली कंडीशंस की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, अब चलते हैं इसकी एक और कंडीशन की तरफ। हमें इसी टॉपिक का यानी कि इसी मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि हमने एक्सेलरेशन को भी डिस्कस किया, अब हमें इसका टाइम पीरियड डिस्कस करना है, फिर हमें इसकी वेलोसिटी को डिस्कस करना है, फिर हमें इसकी एनर्जीज़ को डिस्कस करना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसी टॉपिक के अंदर इंक्लूड है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको इसका बता रहा हूँ कि हाँ भाई, अगर आपके पास कोई मास स्प्रिंग सिस्टम हो तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, जब मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्क्यूलर मोशन है तो वन रेवोल्यूशन, अगर वाइब्रेटरी मोशन है तो वन वाइब्रेशन। तो बॉडी को अपनी एक कंप्लीट वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में जितना भी टाइम लगे, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सो टाइम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट क्या, वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये हो गया टाइम पीरियड का की डेफिनेशन। अब टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है, और पता है टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ω, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये है टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला। आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें, इस जनरल फॉर्मूले से स्टार्ट करो और इसको कन्वर्ट कर दो उस टॉपिक के लिए, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, समझ आई बात। ये मैं आपको अगेन वही बता रहा हूँ, सर्कुलर मोशन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको वहीं पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, इसको कन्वर्ट करना है। मुझे अभी ये फॉर्मूला कहीं से भी मास स्प्रिंग सिस्टम का नहीं लग रहा, कहीं से भी नहीं लग रहा, इसमें पूरे फैक्टर में कहीं भी एम का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, मास है बॉडी का, इस पूरे फॉर्मूले के अंदर कहीं मुझे के नहीं दिख रहा, क्योंकि के का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट। तो ये वाला फॉर्मूला भी फिलहाल जनरल है, तो लेट्स कन्वर्ट दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मुझे यहां से इस ओमेगा को रिमूव करना है, क्योंकि ओमेगा यहां पर सूट नहीं कर रहा, ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां पर एंगुलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वी वांट टू रिमूव दिस ओमेगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब रिमूव करने का तरीका क्या होगा, आपके पास ओमेगा का कोई फॉर्मूला होना चाहिए कि उस फॉर्मूले को यहां पुट कर दें और यहां से ओमेगा को रिमूव कर दें। तो मैं आपको बताता हूं, हाँ भाई, हम यहां पर दो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वो वाला यूज करेंगे जिसमें हमने ओमेगा पढ़ा था, कौन सा वाला, शैडो वाला। सो एक्सेलरेशन ऑफ शैडो, मैं लिख देता हूं बकायदा, ऐसा आसान करके लिख देता हूं कि हम शैडो की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिराइव किया था। और शैडो की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें चाहिए था ओमेगा, तो देखो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के अंदर ओमेगा मौजूद है। अब एक और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चाहिए, और वो कौन सा, जो इस टॉपिक वाला फॉर्मूला है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम, वो क्या पढ़ा हमने अभी, माइनस के एक्स ओवर एम। वीडियो थोड़ी सी पीछे कर लो, ये दिख जाएगा, मैंने अभी आपको डिराइव करवाया है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली जब भी आपने किसी भी कंडीशन में ओमेगा का फॉर्मूला ड्राइव करना हो ना, तो आप कुछ ना करें, इस जनरल एक्सेलरेशन को उस टॉपिक की एक्सेलरेशन से कंपेयर कर लें। क्या कह रहा हूं, इस एक्सेलरेशन के जनरल फॉर्मूले को उस टॉपिक के एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के साथ कंपेयर कर लो, आपको ओमेगा मिल जाएगा, उस ओमेगा को पुट करके अपना डिजायर्ड फॉर्मूला बना लो,
समझ आई बात? तो नाउ बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन 2 and 3, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and equation number 3, कंपेयर करें। कंपेयर करने का मतलब मैं एक साइड पे ये पुट कर देता हूं, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, एक साइड पे ये पुट कर देते हैं, माइनस के एक्स अपॉन एम। चलो कैंसिल करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल और एक्स से एक्स कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको नजर आ रही है के अपॉन एम, यहां लिखता हूं मैं, देखें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको नजर आ रही है क्या, के अपॉन एम, लेकिन फॉर्मूले कौन है, सिर्फ ओमेगा है ना, तो स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या करते हैं, रेडिकल ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रेडिकल, ये आ गया रेडिकल। तो जनाब आपने ओमेगा का फॉर्मूला बना लिया। ओमेगा का ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज किया जाएगा जब भी आप मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करेंगे, मास स्प्रिंग सिस्टम के किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी इक्वेशन में आपको ओमेगा हटाना हो, आगे और भी फॉर्मूला आएगा इसी टॉपिक में रहते हुए, आगे वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, कहीं पर भी आपको ओमेगा नजर आए और उसको आपको रिमूव करना हो तो आप हर उस जगह पे क्या पुट करेंगे, रेडिकल के अपॉन एम, ये फिक्स हो गया। ओमेगा हमेशा बराबर किसको होता है, रेडिकल के अपॉन एम के, जब हम किसी बात करते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम की। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। चलो पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू 2 pi, सेम रहने दो, अपॉन के अंदर ओमेगा नहीं लिखूंगा मैं, बल्कि अपॉन में क्या आ जाएगा, रेडिकल के ओवर एम। हाँ भाई, क्या ये स्टैंडर्ड है लिखने का, स्टैंडर्ड तो नहीं है ना, क्या करना चाहिए, ये m, ये जो k अपॉन m है ये सीधा होके क्या बन जाएगा, m अपॉन k बन जाएगा, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 pi m ओवर k, और ये आ गया रेडिकल। जनाब ये बन गया बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टाइम पीरियड का, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। लिख देता हूं, टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। अब सोचो जरा, कंपेयर करो, दिमाग चलाओ अपना, टाइम पीरियड का ये जनरल फॉर्मूला और टाइम पीरियड का ये वाला फॉर्मूला, कौन से वाले फॉर्मूले को आप कह सकते हो कि वो मास स्प्रिंग सिस्टम का फॉर्मूला है, क्या मैं इसको कहूंगा, हो ही नहीं सकता, क्या मैं इसको कहूंगा, हाँ इसी को कहेंगे, क्यों, क्योंकि मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर ये देखो एम अपॉन किया आ गया ना, मास स्प्रिंग सिस्टम इसी को तो कहा जाता है, तो इसका मतलब अगर आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो मास स्प्रिंग सिस्टम का, यूज दिस फॉर्मूला, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करिएगा। चले आगे चलते हैं, टाइम पीरियड के कॉन्सेप्ट के साथ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, फ्रीक्वेंसी एफ। हाँ भाई, फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कहते हैं हम, कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, नजर आ रहा है, ठीक है नजर आ रहा है, ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का अगर ये बोले रेसिप्रोकल है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ बराबर होता है हमेशा 1/T के, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के आपस में रेसिप्रोकल है। इसी चैप्टर में आपको इस बात को मैं आगे प्रूव करवा दूंगा, जब वेव्स का कंडीशन आएगी ना, वेव्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इसका जो है वो सेशन इसका, तो उसमें वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं आपको बकायदा प्रूफ करवाऊंगा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम टाइम पीरियड, कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा टाइम पीरियड। खैर, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला पुट करते हैं, f इज इक्वल टू 1 रहने दो, अपॉन में t की जगह एज इट इज क्या आ जाएगा, 2 pi और रेडिकल m अपॉन k आ गया। वही वाली बात हमने कहा कि भाई अपॉन के अंदर भी अपॉन मौजूद है, तो यहां पर भी अपॉन के अंदर अपॉन मौजूद है, इसको हम क्या कर देंगे, दोबारा k अपॉन m कर देंगे, बाकी 2 pi अपॉन में रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 pi और रेडिकल k ओवर m, ये बन गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। समझे बात आप लोग मेरी? हाँ भाई, हमने
मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर एफ इज इक्वल टू के एक्स पढ़ लिया, हमने एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला पढ़ लिया, हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ लिया और हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ लिया। अभी तक हमने इसके अंदर चार फॉर्मूला पढ़ लिए हैं और चारों के चारों किसके लिए? मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। हर एक फॉर्मूले के अंदर आपको के और एम लाजमी दिखेगा, के और एम लाजमी दिखेगा क्योंकि ये मास स्प्रिंग सिस्टम की कंडीशन है। आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे हम? वेलोसिटी के बारे में और उसके बाद एनर्जीज के बारे में। इसको नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। जी जनाब, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के बाद अब हम इस पार्टिकल, इस बॉडी की वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पर क्या होना चाहिए। दोबारा रिकॉल करें, हमने इससे पहले वाले टॉपिक में वेलोसिटी का फॉर्मूला जो पढ़ा था, दैट वॉज ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रेडिकल। और हमने एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला जो पढ़ा था वो पढ़ा था एक्स ओमेगा स्क्वायर। पता है आपको ये दोनों फॉर्मूला बड़े जनरल फॉर्मूला हैं। जब आप किसी भी अलग एग्जाम्पल में टॉपिक में वेलोसिटी को डिस्कस करोगे, फॉर्मूला जनरल ये वाला यूज करोगे, उसके बाद यहां से हमेशा आपने ओमेगा रिमूव करना होगा और यहां से भी आपने ओमेगा रिमूव करना होगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, वेलोसिटी के जनरल फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद यहां से हम ओमेगा को रिमूव कर देंगे वैसे ही जैसे हमने टाइम पीरियड में से ओमेगा को रिमूव किया। और मैंने क्या बताया था कि जब भी आप मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, के अपॉन एम रेडिकल। समझे बात? तो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी के जनरल फॉर्मूले से। तो वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज, तो भाई वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यह आ गया रेडिकल के अंदर। ये फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करवा चुका हूं उससे पहले वाली वीडियो के अंदर, देख लेना कि कैसे बन गया है फॉर्मूला। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ओमेगा की जगह पे इसका ये वाली कंडीशन को पुट करना है। सो वी इज इक्वल टू रेडिकल के ओवर एम और यहां पर कौन है, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी किसमें, ये भी रेडिकल के अंदर आ गया। भाई ये बन गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम का फॉर्मूला। सिर्फ ओमेगा रिमूव किया, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी तो क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। लिख देते हैं जैसे मैं सब कुछ लिखता जा रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। कल याद है मैंने आपको बताया था, कल मतलब उससे पहले वाली वीडियो में आपको क्या बता चुका हूं कि वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा सेम है, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट सब में सेम है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी हमेशा सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी क्या लिखेंगे आप, यहां पर लिख देता हूं, हेडिंग लिख देता हूं, मैक्सिमम वेलोसिटी। भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, मीन पोजीशन पर बॉडी सबसे ज्यादा तेज मूव करते हुए जाती है और मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इस फॉर्मूले में जहां पर एक्स आ रहा है उसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पर होती है और मीन पोजीशन पर एक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पर हम पुट करने जा रहे हैं, तो देखो कंडीशन क्या बनेगी, वी इज इक्वल टू रेडिकल के ओवर एम और उसके बाद एक्स नॉट स्क्वायर तो सेम रहेगा माइनस वो हो जाएगा जीरो, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। बाकी ये सिर्फ बच गया, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा एक्स नॉट और रेडिकल के ओवर एम, रेडिकल के ओवर एम, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। और अब आप मुझे बताओ कि मिनिमम वेलोसिटी कहां पर होती है, तो आप बोलेंगे सर मिनिमम वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशंस पर होती है जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये मैं आपको बता चुका हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम वेलोसिटी ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी आप यहां पर लिख सकते हो कि ये कहां पर होती है मैक्सिमम, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होती है, एट मीन पोजीशन। चलो अब मिनिमम वेलोसिटी कहां पर होती है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए, यानी कि जब एक्स एक्स नॉट बन जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा एक्स नॉट के बराबर ही हो जाए, तो उस कंडीशन में बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पाई जाएगी और वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो भाई अब इस वाले फॉर्मूले में जहां पर x आ रहा है वहां पर क्या पुट करेंगे, x नॉट। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडिकल k अपॉन m, इस रेडिकल के अंदर
x नॉट स्क्वायर तो x नॉट रहेगा, बाकी इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, x नॉट स्क्वायर। हाँ भाई माइनस करें, जीरो, जीरो का रेडिकल भी जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो। इसका मतलब मिनिमम वेलोसिटी कहां पर होती है, एट एक्सट्रीम पोजिशन, एट एक्सट्रीम पोजिशन द वेलोसिटी इज मिनिमम जीरो। हमेशा ऐसे ही होगा, वाइब्रेटिंग बॉडी भले शैडो हो, बॉडी नहीं है वो शैडो है, वाइब्रेटिंग बॉडी भले मास स्प्रिंग सिस्टम हो या वो सिंपल पेंडुलम हो, जो भी वाइब्रेट करता है वो हमेशा एक्सट्रीम पोजीशंस पर अपनी वेलोसिटी को जीरो कर देता है और मीन पोजीशन पर हमेशा वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो जब एक्स जीरो होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जब एक्स एक्स नॉट होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये कहानी थी हमारे पास वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी को पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं एनर्जी की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो यहीं से स्टार्ट कर देता हूं मैं, जितना यहां पर आ सकेगा फिलहाल वो लिख दूंगा, उसके बाद फिर दोबारा रब करके उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। तो भाई एनर्जी को डिस्कस करते हैं, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल बाद में करते हैं, पहले एनर्जी को डिस्कस करते हैं। मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है, ओके। अच्छा भाई, मास स्प्रिंग सिस्टम की एनर्जी याद रखिएगा, बॉडी के पास जो एनर्जी होगी वो हमेशा दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करेगी, या तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से या पोटेंशियल एनर्जी पोजिशन की वजह से। तो दो फॉर्म्स में इसके पास एनर्जी होगी, या तो काइनेटिक या पोटेंशियल। तो मैं स्टार्ट करता हूं, पहले काइनेटिक को डिस्कस करते हैं उसके बाद पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर वन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो भाई मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, तो हमें पता है फिलहाल तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो जनरल है वो क्या होता है, 1/2 mv². तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि k डॉट e इज इक्वल टू 1/2 mv², यहां तक बात क्लियर है। क्या आपको कहीं से पता चल रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए, कहीं पर के का कॉन्सेप्ट आ रहा है, चलो मास तो आ रहा है, कहीं पर के आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब स्प्रिंग का कैसे पता चल रहा है कि ये स्प्रिंग वाले की ही काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम पता है क्या करेंगे, इस वी की जगह पे इसका ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्योंकि इसमें देखो क्या आ रहा है, के भी आ रहा है और एम भी आ रहा है। तो हम इस वी की जगह पे इसका ये कंप्लीट फॉर्मूला पुट करने चाह रहे हैं, और से देखते रहिएगा। सो काइनेटिक एनर्जी equals 1/2 सेम रहेगा, ठीक है, m सेम रहेगा, और ये आ गया पूरा का पूरा ब्रैकेट स्क्वायर, v की वैल्यू वो देखो क्या लिखी हुई है, k अपॉन m रेडिकल में, और x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये भी रेडिकल में, और पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, तो 1/2 mv², समझे बात। अब स्क्वायर से सारे रेडिकल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद देखो क्या बनेगा, उसके बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा कुछ 1/2। हाँ भाई m को m रहने दो, ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं, क्या बचा हुआ है, k अपॉन m x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, चेक कर लूं, एक दफा कट तो नहीं रहा, थोड़ा सा कट गया, तो मैं कैमरे को यहां कर देता हूं। हाँ भाई अब क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 1/2 m रेडिकल रेडिकल कैंसिल, k अपॉन m और x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये देखें m से m भी कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला क्या मिल गया, 1/2 ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बन गया मास स्प्रिंग सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने इसी सिस्टम के बारे में, f का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, 5 हो गए, देन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला अभी तक मैं आपको इस मास स्प्रिंग सिस्टम के बता चुका हूं, डिराइव करवा चुका हूं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, लिख देता हूं जैसे मैं लिखता आ रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, समझे बात। हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम होना और काइनेटिक एनर्जी का मिनिमम होना बिल्कुल वैसे ही है जैसे वेलोसिटी का मैक्सिमम होना और वेलोसिटी का मिनिमम होना, जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी वहीं काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी।
जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब अब अगर मैं यहां पर डायग्राम में लिखूं तो डायग्राम में आप इस बात को यहां पर लिख सकते हो कि इस वाले पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी मैक्सिमम मैक्सिमम, और जो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल की तो बात ही नहीं कर रहा ना, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी जीरो, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो यहां पर भी इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है तो यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशंस पर काइनेटिक जीरो और मीन पोजीशन पर काइनेटिक मैक्सिमम, बिल्कुल सिंपल सी बात। इस बात को ध्यान में रखते हुए तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन यानी कि जब एक्स जीरो होगा काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, बना लेते हैं। हाँ भाई क्या बनना चाहिए, आपने सिर्फ x की जगह पे जीरो पुट करना है, तो जब यहां पर जीरो पुट कर दोगे तो 1 अपॉन टू एक्स नॉट स्क्वायर बच जाएगा बस। सो 1 अपॉन टू एक्स नॉट, सॉरी 1 अपॉन टू, हाँ ठीक है, k का गया, सॉरी k, ये भाई यहां पर k मौजूद था ना, 1 अपॉन टू k लगाना नहीं भूल जाना, वही बोलूँ कि कुछ मिसिंग है, ये आ गया k ब्रैकेट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब सही है, तो 1 अपॉन टू k एक्स नॉट स्क्वायर, ये बन गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। कहां पर, एट मीन पोजीशन, और एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशंस यानी के जब एक्स बराबर होगा एक्स नॉट के, एक्स नॉट के है ना, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, जीरो काइनेटिक एनर्जी जीरो। प्रूव कर लो पहले इस बात को, इस बात को कैसे प्रूव करोगे, x की जगह पे x नॉट पुट करो तो ये दोनों जीरो जाएंगे माइनस होके, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग कंप्लीटली जीरो। तो भाई काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की तरह मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशंस पर जीरो हो जाती है। तो मैं काम ही करता हूं, यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूं कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1 अपॉन टू के एक्स नॉट स्क्वायर। तो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितनी है, के एक्स नॉट स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। आप जब तक इसको नोट कर लें जल्दी, अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, पी डॉट ई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन, पोजिशंस पर अपने रेफरेंस पॉइंट के अलावा, जैसे ग्रेविटेशनल का रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, सरफेस, सरफेस से ऊपर होगी पोजिशन पर होगी तो ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पर भी रेफरेंस पॉइंट क्या होगा कि मीन पोजिशन को छोड़ दो, इसके अलावा कहीं पर भी होगी, भले राइट साइड पर भले लेफ्ट साइड पर, तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यानी कि इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए अब एक काम ही करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वर्क डन का या फोर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। देखो यहाँ पर दो पोजीशंस हैं, एक है मीन पोजीशन और एक है एक्सट्रीम पोजीशन पर। अच्छा हमें पता है कि मीन पोजीशन पर तो बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, यहाँ पर फोर्स कितनी हो जाती है, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर फोर्स होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, के एक्स के, ऐसा है ना। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं वो इन फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को देखते हुए करेंगे, मीन पोजीशन पर फोर्स नहीं होती और एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स कितनी होती है, के एक्स के बराबर। तो क्या मैं इन दो फोर्सेस का एवरेज निकाल सकता हूँ, यानी कि अगर ये F1 हो और ये अगर ये F2 हो तो क्या हम इनका एवरेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम यहां से कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, हाँ भाई एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, आपने फोर्सेस को प्लस करना है दोनों, और नंबर ऑफ फोर्सेस से डिवाइड कर दो, दो हैं। हाँ भाई पहली फोर्स कितनी है, लेट्स सपोज ये पहली फोर्स है जीरो, और दूसरी फोर्स कितनी है एक्सट्रीम पर, कितनी होगी, के एक्स, चलो पुट कर देते हैं। एवरेज फोर्स F1 जीरो है एट मीन पोजीशन, प्लस F2 kx है एट
एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एवरेज फोर्स आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, 1/2, ये रहा 1/2 और साथ में के एक्स, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देन आपने बॉडी पर फोर्स अप्लाई की, उसको खींचा और वो डिस्प्लेस हुई, तो यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा किसका, वर्क डन का। तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वर्क डन ऑन द बॉडी इज, ठीक है। और वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, W इज इक्वल टू, आप फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में आ रहा है, x की फॉर्म में आ रहा है, वैसे हम क्या लिखते हैं, एफ डॉट डी, है ना। तो यहां पर जो d है वो डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में, x की फॉर्म में, तो आपने क्या लिखा, एफ एक्स डॉट, यानी कि cos थीटा आप लगाएंगे तो यहां पर मैक्सिमम की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना। मैक्सिमम में cos की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स है बेसिकली, ये फोर्स कोई और सी फोर्स नहीं है बल्कि कौन सी फोर्स है, एवरेज फोर्स है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, एक्स के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। चलो एवरेज फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं, हाँ भाई एवरेज फोर्स की वैल्यू क्या आई है, 1/2 के एक्स मल्टीप्लाई, यहां पर मैं इसको स्टीन लगाया कि आप ये सोच रहे हो कि सर क्रॉस क्यों आ गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ यहां पर मल्टीप्लाई मैंने मल्टीप्लीकेशन को शो करने के लिए लगाया बस, ठीक है। 1/2 के एक्स और मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, तो भाई दो x आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, समझे बात। और हमें एक बात पता है कि हमारा जो वर्क बॉडी पर होता है, हमारा वर्क बॉडी में एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, क्योंकि वो पोजिशन गेन कर रही है, पोजिशन अटेन कर रही है, वो डिस्प्लेस कर रही है। तो आप बॉडी पर जो वर्क डन करते हैं, आपका वर्क डन उस बॉडी में उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो भाई लास्ट स्टेप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा कि वर्क डन ऑन द बॉडी इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब जितना W होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो आप यहां से W को रिमूव करके रिप्लेस कर दें बल्कि किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी के बाद, ये आपके पास 1/2 के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बन गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ये आ गया कोई मेरे ख्याल से छठा या सातवां फॉर्मूला आज का, फोर्स एक्सेलरेशन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, तकरीबन सेवंथ फॉर्मूला ये, सेवंथ फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम, समझे बात, मास स्प्रिंग सिस्टम। मैक्सिमम मिनिमम चेक करें, मैक्सिमम मिनिमम को चेक करने के लिए क्या होगा, एट एक्सट्रीम पोजिशंस, एट एक्सट्रीम पोजिशंस जब एक्स बराबर होता है किसके, एक्स नॉट के, ये तो सिंपल सी बात है। एक्सट्रीम पोजिशंस क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, मीन पोजिशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो भाई अब आप क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, आप पता है क्या करें, इस फॉर्मूले के अंदर जहां पर x आ रहा है वहां पर क्या पुट करते हैं, x नॉट। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 k एज इट इज, x की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x नॉट और साथ में स्क्वायर। ये बन गया मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, कहां पर, एट एक्सट्रीम पोजिशंस। इसका मतलब दोनों एक्सट्रीम पोजिशंस के ऊपर जहां पर काइनेटिक जीरो है वहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, और जीरो कहां पर होगी, एट मीन पोजिशन, एट मीन पोजिशन। और बताओ मीन पोजिशन का मतलब क्या होता है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, जहां पर x जीरो हो जाए, एट मीन पोजिशन जहां पर x जीरो हो जाए वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इज जीरो, यानी कि मिनिमम। कैसे कर लो प्रूफ, इस x की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, जीरो पुट कर दोगे, तो पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। तो भाई यहां पर लिख देते हैं इस बात को कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर के, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर के। तो इधर काइनेटिक जीरो पोटेंशियल मैक्सिमम, और यहां पर अगर काइनेटिक मैक्सिमम है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब आप नोट करें कि एक्सट्रीम पोजिशन पर
बॉडी के पास एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल की फॉर्म में है, और वो कितनी, 1/2 kx0² और मीन पर बॉडी के पास उतनी ही एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में है, कंजर्वेशन। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती है। एक्सट्रीम पर वो पोटेंशियल की फॉर्म में हो जाएगी और मीन पर सारी की सारी वो काइनेटिक की फॉर्म में हो जाएगी, समझ रहे हैं? और इनके बीच में कहीं पर, इनके बीच में कहीं पर वो दोनों की फॉर्म में होगी, क्योंकि वो पोजीशन पर भी होगी और वो मूव भी कर रही होगी, समझ रहे हैं? तो अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, टोटल एनर्जी कैपिटल ई से इसको शो कर देते हैं। आपको पता है अगर आपने किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी फाइंड करनी हो तो आप पोटेंशियल और काइनेटिक को ऐड करते हैं, प्लस करेंगे तो आपको टोटल एनर्जी पता चल जाएगी। सो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम करें, टोटल एनर्जी को हम कहेंगे कैपिटल ई, और ये सम होगा किस किस का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। चलो फॉर्मूला पुट करते हैं, बताओ मुझे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था थोड़ी देर पहले? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनाया था जब मैंने रब कर दिया इससे पहले ना, वो बना था 1/2 kx0² - x², ठीक है? ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये लिखा हुआ 1/2 kx² फ्रेम कंप्लीट है, फ्रेम थोड़ा सा कट रहा है, ये आ गया kx² अब ठीक है फ्रेम। हाँ भाई, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल गिव यू द टोटल एनर्जी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं भाई, 1/2 k को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, ये 1/2 k इसके साथ भी आ जाएगा, ये इसके साथ भी आ जाएगा, क्या बनेगा 1/2 kx0² पहले इसके साथ, छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, फिर बीच में माइनस 1/2 k अब x के साथ x², फिर बीच में प्लस, उसके बाद 1/2 kx², यानी कि इस 1/2 k को आपने इन दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया। हाँ भाई, ये प्लस का और ये माइनस का पूरा फैक्टर सेम था, कैंसिल। तो भाई टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या बना आपको, देखो क्या बचा, सिर्फ ये बच गया टोटल एनर्जी। तो इसका मतलब इस मास स्प्रिंग सिस्टम की टोटल एनर्जी होती ही कितनी है, 1/2 kx0² देखो किस फॉर्म में, 1/2 kx0² इन दोनों को ऐड करोगे इतनी आएगा, इधर चेक करो किस फॉर्म में, 1/2 kx0² इधर जीरो, दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा, इसी तरीके से बीच में कहीं पर भी प्लस कर लो। तो ये बात आपको ये बताती है कि टोटल एनर्जी बॉडी की हर पॉइंट पर क्या रहती है, कंजर्व रहती है। याद करो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने आपको सबसे लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था, टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, हमेशा कॉन्स्टेंट है। तो भाई 1/2 kx0² एक्सट्रीम पर, 1/2 kx0² मीन पर, मास जीरो जाएगी, इसका मतलब दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। यह आ गया भाई 8वां फॉर्मूला ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है मास स्प्रिंग सिस्टम, इसमें कुछ भी आपका कोई सवाल बाकी नहीं रहा होगा, आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं आपको क्या बताया था कि मैं आपको सीक्वेंस में लेके चलूंगा, आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर अक्सर टॉपिक्स मिक्स हुए हुए होते हैं, बीच में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, फिर फ्रीक्वेंसी का आ गया, मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, तो मैं बहुत सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं, तो अगर आप इस सीक्वेंस को बरकरार रखोगे आपको कभी भी मसला नहीं होगा। तो पहले हमने क्या पढ़ा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की सेकंड एग्जांपल क्या पढ़ी हमने, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वाली, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जाएंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो ऐसा करके हम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली कैटेगरी को खत्म कर देंगे सिंपल पेंडुलम के बाद। तो भाई उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी, ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूं, आप इसको नोट कर लें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।